दोस्तों मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये भाई कोहितूर पहाड़ है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए गए थे, अल्लाह को देखने के लिए गए थे। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह से गुफ्तगू की थी और अपनी जूती उतारी थी। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। आप ही आपको पता है मैं कहाँ हूँ। इस जगह को बोला जाता है सेंट कैथरीन, यानी जहाँ से हम आए हैं टावा बॉर्डर से, ये मात्र 200 किलोमीटर दूर है और इसके बाद कायरो है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा वाक्य जो आपने कुरान में सुन रखा है, यानी वो पहाड़ कोहितूर पहाड़। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी और अल्लाह को देखने की बात की थी, और वो जो पहाड़ है वो रेसा रेसा हो गया था। यकीन मानिए दोस्तों, ये ब्लॉग नहीं है, इमोशन है, इमोशन। इससे पहले आप चारों तरफ का एक ये व्यू देखिए कि चारों तरफ हम पहाड़ से घिरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए हैं, और जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ ना, वहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ की पार्किंग है, हमारी बस यहाँ पर रुकी हुई है, और ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ देखो, और यहाँ ये इसकी लोकल मार्केट होगी थोड़ी सी, और यहाँ से जो हम अंदर जाने वाले, ये देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। तो ये इनका सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, यानी यहाँ की लोकल पुलिस का, और यहाँ से हमने इसको पार कर लिया है। अब यहाँ से जो रास्ता है वो 6 से लेकर 7 मिनट का है। अब दो तरीके हैं, या तो पैदल जाओ या फिर आप वैन में भी जा सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे या तो पैदल जाएंगे या फिर वैन से जाएंगे। तो आप ये गाड़ी देख सकते हो, इसी के अंदर जो है हम जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा MMR ट्रिप का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर आप फ्लाइट के सस्ते टिकट चाहते हैं कम दाम में, तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी वेबसाइट MMR ट्रिप है। वहाँ से आप कम पैसों में आप टिकट बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम आप जो है फ्लाइट बुक करोगे, तो आपको 500 रुपये तक का साइनअप बोनस मिलता है। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन जो है आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल फ़ोन में भी कर सकते हो, और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ये अपडेट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों हम उस पॉइंट पर आ गए हैं। साथ ही साथ इसका जो टिकट, वो टिकट तो फ्री होता है, बट जब कार से आप आते हो ना, तो आने जाने का $2 होता है, यानी कार आपको छोड़ती है, लेके जाती है, उसका $2 होता है। तो आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यही सेंट कैथरीन है। ये देखिए इसके आसपास जो है आप पहाड़ देखिए, ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो, ये वही दरख्त है, यानी ये वही पेड़ है जहाँ पर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पहली बार बात की थी। जी हाँ दोस्तों, और सोचिए दोस्तों कि लगभग 3500 साल पुराना पेड़, यानी उससे भी ज़्यादा साल पुराना ये दरख्त जो है आज भी हरा भरा है। और ये देखिए सारे के सारे लोग देखने आते हैं, यहाँ तक कुरान में इसका जिक्र है, यहाँ तक जो है बाइबल है उसमें जिक्र है, और यहाँ तक तीनों, यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तीन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, यहाँ तक ये जो यहूदी हैं वो भी इस जगह को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों बताते हैं कि इसी जगह पर पहली बार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हुए कहा था कि तुम अपने जूते उतार दो, तुम पाक जमीन पर खड़े हुए हो, और ये वही दरख्त आप देख सकते हो। दोस्तों बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब भेड़ चरा रहे थे, तो तभी एक आवाज़ आती है, और आवाज़ आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने जूते उतार दो, ये पाक जगह है। और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान नहीं होता। तब अल्लाह ने बताया कि मैं अल्लाह हूँ। और यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बाद में मेंशन किया गया है, यानी इसको पिक्चराइज किया गया बताने के लिए। दोस्तों इस दरख्त की बात की जाए, तो आज भी ये दरख्त जो है आज ऐसा के ऐसा ही है। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की इन्होंने पिक्चराइज किया है, इसको दिखाया गया है जूते उतारते हुए, और ये ऊपर आप ये जो है आज दरख्त देख सकते हो कि आज भी हरा का भरा है। तो आप खुद देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जूते उतारे थे। तो ये जो आप दरख्त देख रहे थे ना, ये वही दरख्त है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने गुफ्तगू की थी, और अल्लाह ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि जूते उतारो। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, तब अल्लाह ने फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ, तुम डरो मत, अपनी जूते उतारो। तो ये जो 3500 साल पुराना पेड़ है, दरख्त है, वो आज भी ऐसा कैसे ही है। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर तीन पॉइंट थे, मैंने आपको वो दरख्त दिखाया था, और जस्ट सामने देखिए ये जो है मस्जिद, यहाँ पर एक हज़ार साल पहले मस्जिद बनी थी, उसकी मीनार देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना सेंट कैथरीन, यानी
चर्च के मीनार आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर तीन पॉइंट है, एक दरख्त, एक चर्च और एक जो है मस्जिद की मीनार जो आप ये देख रहे हैं। ये जो है चर्च का रास्ता है अंदर, यानी चर्च में जा सकते हो जो सेंट कैथरीन बना हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ मूसा अलैहि सलाम के टाइम का कुआ, जहाँ से मूसा अलैहि सलाम ने पानी लिया था। ये देखिए कुआ आज भी जीवित है, ये देखिए पानी भी है इसके अंदर, इसके अंदर पानी भी है। अगर शायद कैमरे पर फोकस नहीं आ पा रहा होगा किसी वजह से, बट ये देखिए इसी के अंदर आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे। ये देखिए काफ़ी गहरा कुआ, ये देखो। तो ये वही कुआ है जहाँ से मूसा अलैहि सलाम जो है पानी लिया करते थे। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, एक पिक्चर्स में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ जूते उतारते हुए एक तरह से मतलब इसको बनाया गया है। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये सेंट कैथरीन चर्च है, गिरजाघर है, और इसकी कहानी दोस्तों बड़ी दिलचस्प है, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये चर्च देखी थी आपने और ये मस्जिद है, बट यहाँ मस्जिद एक क्लोज है और यहीं पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा खत था, बट वो खत भी नहीं देख सकते। अभी हम जा रहे हैं आपको और व्यू दिखाने के लिए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी जो सेंट कैथरीन, जब आप चर्च देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक लेडी थी जिनका नाम कैथरीन था, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम जो है धर्म अपनाया था, यानी उनका धर्म अपनाया था। तो क्रिश्चियन लोग इनको बहुत मानते हैं। और आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम वाला ये वाला वाक़या, जहाँ पर मस्जिद भी है, तो मुस्लिम लोग जो है इसको मानते हैं, जो दरख्त है जहाँ पर अल्लाह की गुफ्तगू हुई थी। तीसरा पॉइंट तो आपको पता ही है, वो यह है यहूदियों का जो मूसा अलैहि सलाम वाला मामला है, यानी यहाँ पर तीन धर्म को मानने वाले लोग आते हैं और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कोहितूर पहाड़ देखने के लिए, वो पहाड़ जहाँ पर मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा था कि मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, और अल्लाह ने मना किया, अरे मूसा मान जा। ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों जब ये मंजर आप अपनी आंखों से देखोगे ना, आप पागल हो जाओ। देखो यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पहाड़ों, कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए पहाड़ों का मंजर, ये देखिए पहाड़ी पहाड़ आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों क्या मंजर होने वाला है, यकीन मानिए बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-50 साल उन्होंने इस वाक्य को सुना है बट देखा नहीं है। तो फाइनली दोस्तों वो मंजर आ चुका है, ये देखिए ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना लाल, और जस्ट सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, ये है काला। और दोस्तों ये वही पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह से गुफ्तगू हुई मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको देखने के लिए कहा कि अल्लाह दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने मना किया। यकीन मानिए दोस्तों ये जब मंजर आप देख रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। देखो चारों तरफ पहाड़ देखिए, ये पहाड़ आपको लाल दिखाई देगा, ये बीच में काला दिखाई देगा, और ये आपको लाल दिखाई देगा। ये बीच वाला जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वही पॉइंट है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो एक कब्र भी है, ये वही पॉइंट है जहाँ पर अल्लाह ने इस पहाड़ को जो है पूरा जो है काला कर दिया। ये देखिए तो आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना बीच वाला, देखो जला हुआ है पूरा का पूरा, इधर देखिए लाल, ये बीच में जला हुआ है, और ये देखिए दोस्तों अगर इस पहाड़ की बात की जाए तो आप करीब से देख सकते हो, जिसे जबल अल तूर या सिनाई पर्वत भी कहते हैं, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग जो है इस पहाड़ पर, यानी अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से जो है गुफ्तगू भी हुई थी, साथ ही साथ मूसा अलैहि सलाम ने जिद की थी कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो ये एक्चुअल में तीनों ही धर्म के लोग इस बात को मानते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह ने, यानी इस पहाड़ पर अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को 30 रातों के लिए बुलाया था, यानी 30 रातें तन्हाई में यहाँ पर बुलाया था, बाद में 10 रातें और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर बताते हैं कि मूसा अलैहि सलाम जो है 40 रात यहाँ पर रहे थे, और उनकी कौम जो थी वो नीचे रही थी। दोस्तों बताते हैं कि उसके बाद में मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा था कि वो उनको देखना चाहते हैं, पहले तो अल्लाह ने मना किया, लेकिन जब उन्होंने जिद की कि मैं देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने कहा था कि क्या आप इस पहाड़ को देख सकते हो, जिस पहाड़ को जो है सिनाई पर्वत या जो है कोहितूर पहाड़ बोला जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि उस पहाड़ पर मूसा अलैहि सलाम ने देखा, और उसके बाद अल्लाह ने अपना नूर यानी तजल्ली जो है उस पहाड़ पर डाली। और बताते हैं कि जैसे तजल्ली यानी नूर जो है उस पहाड़ पर पड़ा, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, यानी पहाड़ जो है पूरा का पूरा जो है बिखर गया, और आप देख सकते हो पूरा का पूरा काला पड़ गया। और उसके बाद बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर बेहोश हो गए। दोस्तों अगर इस पहाड़ पर अगर जाना चाहो तो पहाड़ पर भी जा सकते हो, बट फजर से चलना पड़ता है, तो 6-7 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है। और इसकी पहाड़ के ऊपर एक बताते हैं कि छोटी सी मस्जिद बनी हुई है,
और इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी और हमारे पास समय जो था काफ़ी लिमिटेड समय था। यहाँ आपको चारों तरफ जो पहाड़ है ना वो लाल लाल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बीच वाला जो पहाड़ है ना सिर्फ वही काला दिखाई दे रहा होगा जो कोहितुर पहाड़ है। पहाड़ पूरा का पूरा जो है वो ख़राब हो गया था, यानी जर्रा जर्रा हो गया था, और क्योंकि अल्लाह का नूर उस पहाड़ पर आया था और मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस पहाड़ को देख भी नहीं पाए थे और बेहोश हो गए थे। दोस्तों क्या मंजर है। दोस्तों ये जो पहाड़ है ना इतने मजबूत हैं, ये देखिए कितने, आप कैसे देखिए कितने कितने मोटे मोटे पत्थर हैं, और इस तरीके से भी जो बीच वाला आपने काला वाला पहाड़ देखा किस तरीके से जर्रा जर्रा हो गया, यानी बिखर गया पूरी तरीके से, वो ये सब खुदा की खुदाई है।